वेलकम बैक। तो कियानी साहब वो कहते हैं कि ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, लेकिन उसके जो जेस्चर्स वगैरह से कुछ थोड़ा सा पता चलता है। फॉर एग्जांपल जब चीफ जस्टिस को हटाया गया था 2007 में 9th of March, तो कियानी साहब वॉज द ISI चीफ और वो वहाँ उस मीटिंग वो उधर थे और उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स बिल्कुल जीरो उन्होंने कहा था, लेकिन सुना है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो इसको सपोर्ट नहीं करते। तो आप जब उनसे मिले तो ऑब्वियसली चाय एंड प्लेजेंट्रीज, लेकिन उनका क्या बॉडी लैंग्वेज है? वो समझते हैं कि सिविलियंस आर ओके, दे डूइंग यू नो दे गोइंग टू लीव देम अलोन, ये हुकूमत को रहने देंगे। हमें तो फिक्र रहती है ना कि ये मिलिट्री एडवेंचरिज्म जो है वो एक बहुत डेंजरस चीज है और वो आके सिविलियन गवर्नमेंट्स को टॉपल कर देंगे। और ये आपने भी लिखा है कि मिलिट्री एडवेंचरिज्म तो होनी नहीं चाहिए। नहीं, आई थिंक मैं भी आई एम ऑल्सो ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। आपको पता है मैं भी मीडिया को अवॉइड करता हूँ, इसलिए आई थिंक जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, चाहे वो मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में हो, चाहे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, आई थिंक वो लोग अपना काम से काम रखते हैं, वॉट दे आर सपोज टू डू। सो बेसिकली वी आर डूइंग अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी आर फुलफिलिंग अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी आर डूइंग अवर जॉब, एंड आई थिंक कियानी साहब भी इज ऑल्सो फुलफिलिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और हर इंस्टीट्यूशन अपना इंडिपेंडेंट है, लेट एवरी इंस्टीट्यूशन डू देयर ओन जॉब। हम भी हर एजुकेशन कमीशन में अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा, आज मैं देख रही थी आप कहीं एक दो जगह गए थे और लोग आपके पास आके कहते हैं कि लगारी साहब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप डटे रहें और आप पीछे ना हटें और आप अपना काम करें। I mean, वो नहीं कह रहे कि आप हुकूमत को टॉपल करें, वो कह रहे हैं कि आप बाहर से अपना काम करें, बिकॉज लोगों को अकाउंटेबिलिटी चाहिए। तो ये फौज से भी आती है, वो कहते हैं कि आप अपना काम करें, आप अपनी पोजिशन मेंटेन करें, या वो बिल्कुल कुछ नहीं कहते? नहीं, आई डोंट थिंक कि कोई भी पर्सन अगर अच्छा काम कर रहा है और अपना काम ऑनेस्टली कर रहा है, उसको कोई आके मना करेगा कि आप अपना काम नहीं करें। तो यू आर राइट कि जिस यू नो वॉक्स ऑफ लाइफ और लोगों से मैं मिलता हूँ, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आप अपना काम कर रहे हैं और आप अपना काम करें। अच्छा, एक जो इशू उठ रही है बाहर जगह से और वो है सिंध यूनिवर्सिटी की, कि सिंध यूनिवर्सिटी ATC, एक तो सरप्राइज विजिट एक था वो भी अखबारों में आया कि सिंध यूनिवर्सिटी कोऑपरेट नहीं कर रही है, सिंध यूनिवर्सिटी डिलेइंग टैक्टिक्स, या वो कह रहे हमें 4 महीने का टाइम दे, उस तरह की चीजें। तो ये क्यों हो रहा है? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लेरिफाई हियर कि कोई सरप्राइज विजिट नहीं था। अच्छा, आई डोंट बिलीव इन सरप्राइज विजिट्स। तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज कोऑपरेट कर रही हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ लोगों ने डेटा हम लोगों को वेरिफिकेशन का बहुत जल्दी भेज दिया, कुछ लोगों ने इनकरेक्ट भेजा तो हमने उनको वापस भेजा कि आप प्लीज करेक्ट करें, कुछ को अपनी इंटरनल डिफिकल्टीज हैं तो वी हैव गिवन देम सम एडिशनल टाइम, बट जनरली स्पीकिंग ऑल यूनिवर्सिटीज आर कोऑपरेटिंग। और हमारी भी पूरी कोशिश यही है कि जब सब यूनिवर्सिटीज करें तो वही अक्रॉस द बोर्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस हो, कि किसी ऐसे नहीं कि यार्ड स्टिक किसी और के लिए डिफरेंट हो और दूसरे के लिए डिफरेंट हो। तो सिंध यूनिवर्सिटी को यह सर्टेन डिफिकल्टीज हैं और उन लोगों ने औरों के मुकाबले में थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लिया है, बट आई एम श्योर उनकी तरफ से भी वेरिफिकेशन है। वो कह रहे हैं कि उनके पास रिकॉर्ड में काफी उन पार्लियामेंटेरियंस के मैट्रिक्स और इंटर्स नहीं है, तो फिर उसमें हम लोगों को यही बोला कि फिर आप ऐसा आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? जब आप यूनिवर्सिटी को अप्लाई करते हैं तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। I mean, मैं गई हूँ यूनिवर्सिटी और मुझे पता है कि सारे सर्टिफिकेट्स भेजने पड़ते और ओरिजिनल्स अटेस्टेड। तो दैट इज व्हाई मैं कह रहा हूँ कि वेरिफिकेशन प्रोसेस में मैट्रिक और इंटर होता है। और अगर उनके पास रिकॉर्ड में उन लोगों ने डिग्री दी है तो उनके फाइल में मैट्रिक इंटर होना चाहिए, जो कि वो कह रहे हैं कि नहीं है। अब उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस को लिखा है, खत लिखा है कि प्लीज आप हमें बहुत जल्द अपनी मैट्रिक और इंटर की कॉपी दे दें। इलेक्शन कमीशन भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है, वो भी हमें कहता है कि हम आपको कॉपीज दे देंगे, लेकिन बात यह कि जब तक कंप्लीट मैट्रिक इंटर और उसके बाद डिग्री का रिकॉर्ड नहीं होता है, जब तक आप नहीं कह सकते कि ये डिग्री रियल है, जाली है या फेक है। अच्छा डॉक्टर लगारी, एक जो इशू उठती है, लोग कहते हैं कि ये एक नई जमहूरियत आई है और इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है या PMLN के थ्रू, और वो अदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं टू डू दिस, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये गवर्नेंस का एक हिस्सा है कि सफाई भी होनी चाहिए साथ साथ में, अकाउंटेबिलिटी, और उसी से फिर ये जो इंस्टीट्यूशंस है वो खुद ब खुद स्ट्रेंथन होंगे, बिकॉज फिर वो कोई उनको हॉस्टेज नहीं होल्ड कर सकता। अगर आपकी डिग्री फेक है और अगर आपने पर्जरी की है या अगर आपने अपने एसेट्स नहीं डिक्लेयर किए, इस तरह की बहुत चीजें होती है जो लोग झूठ बोल के असेंबलीज में आते हैं। देखिए ना, झूठ बोलना तो ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, फेक डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफिकेशन जो है वो भी इंसान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मैनिफेस्टो पे भी, जैसे मैंने काफी काम किया है मोहतरमा के साथ, उसमें भी हम लोगों की जो कमिटमेंट है इज गुड गवर्नेंस, ए करप्शन फ्री गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंसी अक्रॉस द बोर्ड, अकाउंटेबिलिटी, इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी,
ये नहीं कि जैसे पहले नैब होती थी, बल्कि टोटली इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल अकाउंटेबिलिटी. तो ऑल दीज थिंग्स आर ए पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस. इंडिपेंडेंट कैसे होगा? Well, ये नहीं है कि यू नो द अकाउंटेबिलिटी बोर्ड शुड डायरेक्टली बी यू नो आंसरेबल टू द गवर्नमेंट. तो उस तरीके से तो फिर नहीं हो सकते ना, अगर करप्शन स्कैंडल्स होते हैं. कैसे होगा अकाउंटेबिलिटी बोर्ड? कौन ऑब्वियसली अक्रॉस द बोर्ड मे बी अ पार्लियामेंट्री कमिटी दैट अपॉइंट्स पीपल अक्रॉस द अकाउंटेबिलिटी बोर्ड. सो एक बाई पार्टिसनशिप हो उसमें. जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, उसका जो चेयरमैन होता है वो ऑब्वियसली इज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन. जी, तो इस तरीके से तो अगर गवर्नेंस सही हो जाए, आप समझते हैं कि इस मुल्क के बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हल हो जाएंगे. मैं पर्सनली ये समझता हूँ, दिस इज माय पर्सनल व्यू नॉट एज चेयरमैन HEC, कि यस अगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस हो जाए एंड वी कैन गेट रिड ऑफ करप्शन, आई थिंक वी कैन टेक केयर ऑफ 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द कंट्री. अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में इतने रिसोर्सेज हैं. और जैसे मैंने बोला था कि एनर्जी पॉलिसी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैंने लिखी थी आज से 4 साल पहले, जो कि अनफॉर्चुनेटली सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुई, लेकिन उसमें भी एक रोड मैप था, उसमें एक टाइम फ्रेम था, और उसमें भी हमारा यह था कि इंशाल्लाह 3-4 साल में वी वुड एंड द लोड शेडिंग एंड वी वुड मूव अहेड विद द यू नो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इवन थ्रू ऑल्टरनेट मेथड्स लाइक विंड एनर्जी एंड कोल. और लेकिन वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. लेकिन आपने कहा था कि हमने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करनी है. जी. और अगर हम इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने जाएं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेनिफिट नहीं करते हैं स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस को. उनको तो वीक इदारे चाहिए, बिकॉज अगर इदारे वीक है तो वो इंडिविजुअली स्ट्रांग रह सकते हैं. तो उनका क्या होगा? नहीं नहीं, आई डोंट नो उनका क्या होगा, लेकिन इंस्टीट्यूशंस को जब तक आप लोग स्ट्रांग नहीं करते हैं, दीज आर नॉट द इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर हायर एजुकेशन कमीशन में और मैं चला भी जाऊं, बट वो जो इंस्टीट्यूशन है उसका प्रोसेस चलता रहेगा. यू नो इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन वन पर्सन, इट शुड बी डिपेंडेंट ऑन ए होल टीम ऑफ पीपल एंड डिपेंडेंट ऑन ए प्रोसेस. तो आई थिंक इसी तरीके से जो सारी चीजें हैं, हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, अब देखें सुप्रीम कोर्ट भी एक इंस्टीट्यूशन बन गया है पाकिस्तान में. इसी तरीके से मैंने बोला कि आर्मी इज एन इंस्टीट्यूशन, आई थिंक हायर एजुकेशन कमीशन इटसेल्फ इज एन इंस्टीट्यूशन. इसी तरीके से दूसरे इदारे भी अगर इंस्टीट्यूशन बन जाए तो आई थिंक इट विल टेक केयर ऑफ द गवर्नेंस. एक और चीज है डॉक्टर लगारी, हर एक इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट बन सकती है और यू नो अपने अपना इंटरनली एक रेवोल्यूशन ला सकती है, इंटरनली विद इन द इंस्टीट्यूशन और इंडिपेंडेंट बन सकती है. हमने कोर्ट्स के साथ देखा है कि एक बहुत सीरियस जिद्दोजहद हुई है और एक इंडिपेंडेंस आई है जुडिशरी में, अच्छा हो बुरा हो जो भी है, लेकिन वो आई है. लेकिन ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो है ये फंडिंग पे डिपेंडेंट है और वो फंडिंग हुकूमत से आती है. और अगर हुकूमत आपकी फंडिंग काटेगी तो फिर आपका क्या होगा? आप तो फिर नहीं चल सकते. तो ये एक बहुत बड़ा मसला भी हमने अखबारों में पढ़ा है कि HEC की फंडिंग को बहुत काटा गया है. ना ये मैं नहीं कह रही हूं कि ये एज अ रिजल्ट ऑफ कोई विक्टिमाइजेशन पॉलिसी, ये भी है कि पूरे डेवलपमेंट सेक्टर स्पेंडिंग को काटा जा रहा है. तो ऑब्वियसली वन ऑफ द बिग कट्स विल बी हायर एजुकेशन. लेकिन आप किस तरह अपने फंडिंग को सिक्योर कर सकते हैं और कहां से सिक्योर कर सकते हैं? देखिए फंडिंग तो एक सेपरेट एरिया है. जब आपने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की बात की तो सबसे पहले तो ये है कि यू नो यू हैव टू लिव अप टू द पॉलिटिकल प्रेशर्स यू गेट इन टर्म्स ऑफ, नौकरियां देनी होती हैं, ट्रांसफर्स करने होते हैं, किसी का काम करना होता है, सिफारिशें होती हैं, ठीक है ना. अगर आपको आप उसको रेजिस्ट कर सकते हैं तो योर इंस्टीट्यूशन बिकम स्ट्रांग, ठीक है ना. आपको पता है कि जाबिस्ट में मैं था, वहां पे प्रेसिडेंट था, तो इवन मोहतरमा थी वो वहां पे बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती थी, बल्कि उनके भी इंस्ट्रक्शन सबको यही होते थे कि प्लीज लेट दिस इंस्टीट्यूशन गो ऑन एंड डू नॉट इंटरफेयर. तो यू डिडंट टेक सिफारिशी, कोई नहीं था मेरिट, अगर किसी स्टूडेंट के वो मेरिट बेस्ड एडमिशन से, वो मेरी बॉस थी वो भी मुझे सिफारिश नहीं करती थी किसी की, उन्होंने 15 इयर्स में किसी के लिए कंप्लीटली मेरिट बेस्ड, एब्सोल्युटली 100% मेरिट बेस्ड. तो अगर कोई उसका जिनका GPA थोड़ा सा लो था उनको आप नहीं लेते? जी नहीं. तो आई थिंक इसी तरीके से इंस्टीट्यूशंस बिल्ड होते हैं. और फिर वो सेकंड फैक्टर ऑफ कोर्स बजट होता है कि यू नो ऑफ कोर्स पीपल नीड रिसोर्सेज टू लिव ऑन टू सर्वाइव. अगर ज्यादा बजट मिलता है तो ऑफ कोर्स यू कैन डू अ लॉट मोर थिंग्स देन यू कैन डू विद लेस मनी, बट स्टिल वी विल बी एबल टू सर्वाइव अगर हम लोगों की फंडिंग कट्स भी हो जाती हैं. ओवरऑल तो इसमें इंस्टीट्यूशन का नुकसान नहीं है ना, इसमें तो पाकिस्तान का नुकसान है, बिकॉज वी फंड अबाउट 137 यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान. देर आर 1.1 मिलियन स्टूडेंट्स, देर आर 9,000 स्टूडेंट्स जो बाहर स्कॉलरशिप्स पे PhDs कर रहे हैं. अगर फंडिंग कट होगी तो कल के दिन यही लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे एम्बेसीज के बाहर, यूनिवर्सिटीज में फैकल्टी और स्टूडेंट्स हड़ताल करेंगे, पूरे मुल्क में क्योस क्रिएट हो जाएगा. और वो इसीलिए होगा कि बिकॉज फंडिंग डायरेक्टली हमारी पॉकेट्स में नहीं जाती है, फंडिंग डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज की उसमें जाती है, उनके एक्सपेंडिचर्स में जाती है. तो इट्स गोइंग टू क्रिएट ए क्योस एंड दैट इज वॉट वी हैव बीन ट्राइंग टू यू नो सेंड दिस मैसेज अक्रॉस टू द गवर्नमेंट कि हायर एजुकेशन को आप सपोर्ट करें, बिकॉज मुल्क की जो नॉलेज कैपिटल होता है
वही मुल्क को आगे ले जाता है. नॉलेज इकोनॉमी जो होती है, अगर आप हायर एजुकेशन को कट कर देंगे, नॉलेज इकोनॉमी की आप बैकबोन तोड़ देंगे, तो हम लोग सब सहारन अफ्रीका बन जाएंगे. वैसे तो वो कहते हैं हम उधर काफी क्लोज है. तो अगर हम ये जो इंटरफेरेंस को रेजिस्ट करें, फंडिंग, लेकिन फंडिंग तो अगेन ऐसे कि हुकूमत से आती है, हुकूमत के पास अगर पैसे नहीं है तो वो कहाँ से पैसे देंगे? अगर उनके पास उनको आप से फॉर एग्जाम्पल उनका आपको 100 मिलियन देना है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 100 मिलियन काट दिया, आपके 100 मिलियन गए, लेकिन वो कहीं भी नहीं है, उनके पास तो है ही नहीं 100 मिलियन देने के लिए. अगर उन हायर एजुकेशन को, हेल्थ को, जनरल एजुकेशन को, दे डोंट हैव द मनी, अनफॉर्चुनेटली वो हर जगह से काट रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस में हायर एजुकेशन इज सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है ना, हर स्टूडेंट और जो लोगों को आपने ले लिया है फॉर ए 3-4 ईयर प्रोग्राम, इट्स लाइक ए मॉर्गेज, इट्स लाइक ए कमिटमेंट. आपको उनको एंड तक उनको सपोर्ट करना है. ये नहीं कि आपने एक साल उनको ले लिया, सेकंड ईयर आप बोलते हैं कि हम आपको पैसे नहीं दे रहे. जब ये कट्स आते हैं तो कहाँ इफेक्ट होती है? ये इन्हीं लोगों को तो इफेक्ट होगा. ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को ही इफेक्ट होगा, सैलरीज का इफेक्ट होगा. आई डोंट नो, इस वक्त हम लोगों को कुछ पता नहीं उनकी स्कॉलरशिप्स का क्या होगा. इस साल फॉर एग्जाम्पल जो हर साल हम तकरीबन 800-900 लोगों को फॉरेन स्कॉलरशिप्स में भेजते हैं, मोस्ट लाइकली इस साल हम एक स्टूडेंट को भी नहीं भेजेंगे. ये भी तो नुकसान पाकिस्तान का होगा इफ यू आर नॉट एबल टू क्रिएट द नॉलेज कैपिटल टू कम बैक एंड सर्व द कंट्री. जाते हैं बाहर, वो वापस उनको वापस आना पड़ता है लाजमी जी, एंड दे हैव टू वर्क इन पाकिस्तान. दे आर अंडर ए बॉन्ड, और आई थिंक अभी इससे फिगर मैं आपको बताऊं कि तकरीबन जो 2002 से शुरू हुए थे जाने के, अभी भी जैसे मैंने बोला 8-9,000 स्टूडेंट्स बाहर हैं, जो तो तकरीबन 350 लोग पीएचडी करके वापस पाकिस्तान आ गए, एंड देर आर ओनली 12 डिफॉल्टर्स. और उसको भी हम लोग परसू कर रहे हैं. ये नहीं है कि वो डिफॉल्टर्स हो गए और वो बिल्कुल ही नहीं आएंगे, उनको परसू कर रहे हैं, उनको लाइकली वो भी आ जाएंगे. अच्छा, तो व्हाट अबाउट एक्सटर्नल फंडिंग? कोई एक्सटर्नल फंडिंग मिलती है पाकिस्तान में? अनफॉर्चुनेटली कोई भी एक्सटर्नल फंडिंग का कल्चर नहीं था. सिंस द लास्ट वन ईयर अंडर ए यूएस एआईडी प्रोग्राम, आई थिंक वी आर ट्राइंग टू डेवलप व्हाट आर नोन एज द फाइनेंशियल असिस्टेंस डेवलपमेंट ऑफिसेस यूनिवर्सिटीज में अक्रॉस द बोर्ड, और उसमें कोशिश ये कर रहे हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज ने उसमें काफी सक्सेस अचीव की इन द लास्ट वन ईयर. जैसे IBA कराची है फॉर एग्जाम्पल, और आप आई थिंक उसके बोर्ड में आप भी हो, और फैसलाबाद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में लम्स हैं. तो इसमें काफी हद तक यू नो बाहर इतनी सारी डोनर एजेंसीज होती हैं, फिलेंथ्रॉफिक एजेंसीज होती हैं, डोनर एजेंसीज होती हैं, कि आपको काफी फंड मिल सकते हैं. ओके, वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी क्विक ब्रेक हियर, वी विल बी बैक इन अ मोमेंट, स्टे विद अस.